पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने उन्हीं को साथ लेकर प्रगति के महान लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प किया। सीमावर्ती जो हमारे आखिरी गांव है हिंदुस्तान के कोने कोने में, उन गांवों को विकास की यात्रा में पीछे नहीं रहने देना। ऐसे गांवों में हर प्रकार की सुविधा, बिजली हो, पानी हो, सड़क का इंतजाम हो, इसके लिए बजट में विशेष वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। द एक्टिविटीज विल इंक्लूड कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, टूरिस्ट सेंटर्स, रोड कनेक्टिविटी, provisioning of decentralized renewable energy, direct to home access for Doordarshan and educational channels, and support for their livelihood generation. Modi ji, ab jo vibrant village karyakram lekar aaye, uttri bhubhag ki sima, char rajyo aur ek UT ke 19 jille, 46 block और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू होगा। 1451 गांवों को प्रथम चरण में समाहित किया है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन सभी गांवों को बहुत मदद करेगा।